हेलो एवरीवन आज हम गैस्ट्रो इंटस्टाइनल फिजियोलॉजी का लेक्चर नंबर ट्वेल्व करेंगे और आज हम प्रीडोमिनेटली स्क्रीशंस ऑफ गैस्ट्रो इंटस्टाइनल ट्रैक्ट के ऊपर अब फोकस करेंगे हमने रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रो इंटस्टाइनल ट्रैक्ट को देख लिया हुआ है जिसमें हमने नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को कवर किया है हमने मोटिलिटी पैटर्नस विदिन दी ईसोफेगस स्टमक और इंटेस्टाइन uh, को डिस्कस किया डिटेल के अंदर अब हम देखेंगे मोटिलिटी से हट के जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्क्रीशंस ऑफ गैस्ट्रो ट्रैक्ट कौन कौन सी हैं तो हम ब्रीफली उनको डिस्कस करेंगे फिर बाद में हम हर पर्टिकुलर स्क्रीशन को डिटेल के अंदर देखेंगे कि उसकी क्या उसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है और उसकी क्रिटिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं एज़ फार एज़ फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग ऑफ डाइजेशन एंड आब्जॉर्बशन इज़ कंसर्ट अब अगर आप देखोगे तो पर्पज़ ऑफ गैस्ट्रो इन का क्या पर्पज़ हो सकता है इसका पर्पज़ यह है कि ये एक एक्वस माइलियो एक ऐसी वाटरी इन्वायरमेंट क्रिएट करे ताकि डाइजेशन एंड एबजॉर्पेशन बेहतर तरीके से हो सके तो जो सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रो ट्रैक्ट हैं दे प्रोवाइड एन एक्वस इन्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव डाइजेशन एंड एबजॉर्प्शन एक चीज़ याद रखना जितनी भी स्क्रीशंस हैं नाओदीज आर एक्चुअली स्क्रीटेड इन टू द्यूमन ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक इससे पहले जितने भी हमने चीज़ें की थी वो हम फैक्टर्स थे ये सारे के सारे एंडोक्राइन पैराक्राइन और न्यूरल ये रेगुलेट कर रहे थे बट रेगुलेशन किस तरह कर रहे थे बाय कंट्रोलिंग द्रीशंस सो दी सिंथिस ऑफ दि स्क्रीशंस रिक्वायर ए वेल कंट्रोल्ड रेगुलेटेड प्रोसेस दैट इज गवर्नड बाय द एंडोक्राइन पैराक्राइन एंड न्यूरल सब्सटांसिस तो ये तीनों जो हैं ये रेगुलेट कर रहे हैं गैस्ट्रोटाइनल टैक्ट की स्क्रीशंस को इनका रेगुलेटरी फंक्शन है बट इसका आगे चल के डायरेक्ट डाइजेशन के अंदर कुछ ना कुछ इनकी सिग्निफिकेंस होगी सलाइवा के अंदर कुछ और तरह की स्क्रीशंस हैं गैस्ट्रिक सिस्टम के अंदर स्टमक की कुछ और स्क्रीशंस हैं पेंक्रियाटिक्रीशन्स कुछ और हैं बाइलरी स्क्रीशंस कुछ और हैं तो ये अब डायरेक्टली स्क्रीट होते हैं इनटू टू दैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ल्यूमन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अब अगर आप देखें तो व्हाट कुड बी फंक्शंस ऑफ दिज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्क्रीशंस और अगर हम बारी बारी देखें तो सबसे पहला इट सर्व्स टू प्रोटेक्ट एंड लुब्रिकेट द मिकोज़ा और इसके अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास म्यूसिन है जो कि गेस्ट्रटेस्टर्नल ट्रैक्ट मिकोज़ा को प्रोटेक्ट भी कर रहा है और उसको लुब्रिकेट भी कर रहा है फॉर uh, एग्जांपल म्यूसिन अगर आप देखो तो म्यूसिन का लुब्रिकेशन और प्रोटेक्शन के अलावा एक एंटी फोमिंग फंक्शन भी है ये सर्व करता है एज एन एंटी फोमिंग एजेंट इन दी रोमिनट्स स्पेशली और अगर ये ना हो वहाँ पे तो ये एक फिनोमिना है रोमिनट्स के अंदर जिसके अंदर फ्रॉदी ब्लॉट बनना शुरू हो जाता है यानी जितनी भी गैसियस मटेरियल है उसके इर्द गिर्द एक फोम बनना शुरू हो जाएगा अगर वो गैस मटेरियल गैस के जो बबल्स हैं वो इकट्ठे नहीं हो सक रहे तो रोमिनट्स जो हैं उसको इफेक्टिवली इरक्टेट नहीं कर सकते इरक्टेशन नहीं होगी इरक्टेशन ये होती है कि जितना भी जो गैस प्रोड्यूस होती है रोमिनट्स के रूमिन के अंदर वो बाहर की तरफ यानी उसको इरक्टेट किया जा सके उसको रिमूव किया जा सके फ्रॉम दी रूमन थ्रू द प्रोसेस ऑफ इरक्टेशन जिसके अंदर वो गैस बबल्स जो हैं वो इकट्ठी होती हैं कोई करती हैं और वो इसोफेगस के जरिए माउथ के ज़रिए बाहर आ जाती हैं तो ये म्यूसिन जो है ये एंटीफोमिंग काम भी करता है वहाँ पे आ, अगर ये ना हो तो इसकी वजह से और दूसरे और प्रोसेस की वजह से भी वो गैस बबल्स जो है वो कंबाइन नहीं कर सकती और रिडक्टेशन नहीं होती प्रॉपर इसके अलावा इट क्रिएट्स एन ऑप्टिमल पी फॉर डाइजेस्टिव एक्टिविटी फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो आपको मोनोगेस्टिक्स के अंदर एसिडिक पीएच चाहिए ताकि प्रोटीन की डाइजेशन हो सके आपको बायो कार्बोनेट चाहिए इन्जाइमेटिक एक्टिविटी के लिए और अगर ये बायो कार्बोनेट्स नहीं हो रही सिलाइवा के अंदर खास करके रूमिनंट के अंदर तो उनके रूमन के अंदर इतना एसिड प्रोड्यूस होता है वो न्यूट्रलाइज नहीं हो सकता मोनोगेस्टिक्स के अंदर एच की प्रोडक्शन चाहिए ताकि बैक्टीरिया के लो सके प्रोटीन के डाइजेशन के अंदर तो ये एक ऑप्टिमल पीएच प्रोवाइड करता है फॉर डाइजेस्टिव एक्टिविटी इसके अलावा वाटर और जैसे हमने पिछली स्लाइड में भी डिस्कस किया था एक एक्वस इन्वायरमेंट क्रिएट करनी है उसमें वाटर रिच इन्वायरमेंट क्रिएट करनी है ताकि डाइजेशन और एबजॉर्पन हो सके तो उसके लिए इन्जेस्टा को सोलबलाइज करना ज़रूरी है और वो तभी होगा जब वाटर एक्सेसिवली स्क्रीशंस के अंदर मौजूद हो इसके अलावा हमारे पास हाइड्रोलस ऑफ इन्जेस्टा जिसके अंदर वाटर के साथ साथ डिफरेंट हाइड्रोलिटिक इन्जाइनस भी मौजूद होंगे जो कि इन्जेस्टा को हाइड्रोलाइज कर सके हाइड्रोलिस कर सके इसके अलावा सोलबलाइजेशन एंड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स जो कि प्रीडोमेटली बाइल का फंक्शन है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स एंड सोलबलाइजेशन ऑफ फैट्स ये नहीं होंगी तो फैट की डाइजेशन हैम्पर हो जाती है बिकॉज आप इमल्सिफाई नहीं कर सक रहे एक लार्ज फैट के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स नहीं बन सक रहे और अगर वो नहीं बनेंगे तो फिर उसके ऊपर डिफरेंट uh, इन्जाइम्स जो कि पेंक्रियाटिक जूस के अंदर है जिसमें लाइपेज है कोलेस्ट्रॉल ईस्ट्रेज वो किस तरीके से एक्ट करेगा तो सॉलिबलाइजेशन एंड एमर्सिफिकेशन ऑफ फैट्स ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक सक्रीशंस का और ये प्री डोमिनेट करता है बाइलरी स्क्रीशंस के साथ इसके अलावा हमारे पास कोऑर्डिनेटेड गैसट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक एक्टिविटीज़ है जिसके अंदर हॉर्मोन्स और पैराक्राइन स्क्रीशंस जो हैं वो एक्चुअली ये जरूर जहन में रखना कि दीज आर एक्चुअली हॉर्मोन्स और पैराक्राइन मैंने आपको पहले भी एक्सटेंसिवली डिस्कस किया हारमोन आर स्क्रीटेड इन टू द्लड पैराक्राइन स्क्रीशन आर स्क्रीटेड दीज़ टू दल नेवर कम इनटू दैसट्रो इंटस्टाइनल ट्रैक लियोमेन ये जितनी भी सिक्रीशनस हैं सलाइवा है बाइल है पेंक्रियाटिक्रीशन है, है गैस्ट्रिक जूस है दे आर सिक्रिएटेड इन टू द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक ल्यूमेन बट हॉर्मोन्स आर सिकटेड इन टू द ब्लड एंड पैराक्राइन सिक्रीशन आर सिक्रिएटेड इन टू द इंटस्टिशियल फ्लूड दे नेवर कम इन टू द ल्यूमेन ऑफ दी गैस्ट्रो इंटस्टाइनल ट्रैक तो ये रेगुलेट कर रही हैं ठीक है अगर अब आप देखोगे तो टोटल वॉल्यूम ऑफ़ डाइजेस्टिव स्क्रीशंस इज़ वेरी लार्ज आ, और अगर हम इसको डेली बेस पे मोनीटर करें तो वो इतना ज़्यादा फ्लुइड वॉल्यूम जो एक्चुअल स्क्रीशन है वॉल्यूम ऑफ फ्लुइड की जो कि स्क्रीट होगी गैस्ट्रोन टाइनल ट्रैक में वो नस्बता बहुत ज़्यादा है कम्पेयर टू जो वो फ्लूड इनटेक कर रहा है तो जितना स्क्रीट किया है गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैप के ल्यूमेन के अंदर उसका भी तो हमें उसकी भी हमें चाहिए आ, तो मोस्ट डाइजेस्टिव के अंदर आपको इलेक्ट्रोलाइट्स भी मिलेंगे अब इलेक्ट्रोलाइट्स जो इलेक्ट्रोलाइट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैप के, ट्रेक्ट के ल्यूमेन के अंदर आ रहे हैं अगर ये अब्जॉर्ब ना हो तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाता है और फूड के अंदर जो आपने फूड इंजेस्ट किया है उसके अंदर मेबी इतने इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद ही ना हो तो अगर ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की स्क्रीशंस के अंदर स्क्रीट हुए हैं अगर ये एबजॉर्ब ना हो तो दैट कैन लीड टू इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलिस सो फॉर लार्ज आउट पोरिंग ऑफ फ्लुड एंड एलेक्ट्रोलाइट इन टू दी गट इट दिस मेक्स द री एब्जॉर्बशन ऑफ दिज्रीशन इम्पेरेटिव इट इज़ वेरी असेंशल टू री एब्जॉर्ब दिज इलेक्ट्रोलाइट दैट आर स्क्रीटेड इन टू दी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और इसी अगर ये स्क्रीड अगर हम इनको रिअब्जॉर्ब नहीं कर सक रहे तो फिर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट का इम्बेलेंसेज होना शुरू हो जाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखो तो डायरिया होता है डायरिया के अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट्स बड़ी तेज़ी के साथ लूज़ होना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से आप लिथारजी फील करते हैं अगर पोटेशियम आपकी बॉडी से निकल जाए ए, because it is a very important electrolyte that is that is secreted into the gastrointestinal tract agar wo body ke andar se nikal jaye to phir aap uh, aur wo reabsorb nahi ho sakta because of ineffective reabsorption that is due to diarrhea तो वो फिर आपका आप देखो आप lethargy feel करोगे इसी तरीके से bicarbonate ions diarrhea डायरिया के अंदर जो सिस्टम इंटेस्टाइन की ए, जितनी भी बायोकार्बोनेट रिच इन्वायरमेंट है अगर वो बायोकार्बोनेटाइन डायरिया की वजह से बॉडी में से निकलना शुरू हो जाए तो फिर बॉडी के अंदर एसिडोसिस होने के चांसेस होंगे इसी तरीके से वॉमिटिंग के अंदर अगर आपका गैस्ट्रिक जूस निकल जाए तो बॉडी के अंदर अल्कलाइन इन्वायरमेंट अल्कलोसिज होने के चांसेस होंगे सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज एलेक्ट्रोलाइट्स विच वर्सक्रिएटेड इन टू इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्रिएशंस दे शुड बी रीऑब्जॉर्ब और इसको हम आगे चल के देखेंगे कि भी के ये किस तरीके से रीऑब्जॉर्ब होते हैं साथ ही साथ जो भी वाटर है जिस जो कि एक्वाइल्यू क्रिएट करने के लिए गैस्ट्रो इंटरस्टाइनल ट्रैक्रीशन के अंदर लाया गया था इस वाटर की रीऑब्जॉर्बन भी इम्पेरेटिव है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स दैट वर्स्रिएटेड इन टू दैसट्रो इंटरल ट्रैक ल्यूमिन शुड बी री एब्सॉर्ब आफ्टरवर्ड्स अब अगर हम देखें बारी बारी तो हमारे पास of gastrointestinal tract के अंदर सबसे ऊपर है स्लाइवी स्क्रीशंस फिर है हमारे पास गैस्ट्रिक स्क्रीशन फिर है हमारे पास पेंक्रियाटिक स्क्रीशन और फिर है बाइलशन तो ये चार सिक्रीशन है मेजर और हम इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे आज हम स्लाइवा के ऊपर फोकस करते हैं और देखते हैं कि स्लाइवरी स्क्रीशन क्या है व्हाट इज स्लाइवा इसका फंक्शंस क्या है और इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद है सो so, सलाइवा जो है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्क्रीशन दैट इज स्क्रीटेड बाय दी स्लाइवरी ग्लैंड्स और स्लाइवरी ग्लैंड्स के अंदर हमारे पास प्रोटेड ग्लैंड है सब मैंडिबुलर ग्लैंड है मैगजिलरी ग्लैंड है सब लिंगल ग्लैंड हैं स्लाइवा का फंक्शन ये है कि इट मॉइस्टन्स, लुब्रिकेट्स एंड पार्शली डाइजेस्ट फूड जैसे ही फूड चू होता है इट शुड बी भी स्लाइवरी विद्रीशंस टू अलाउ इट टू बी मोल्डेड इन टू वेल लुब्रिकेटेड बोलस और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आगे अगर आपको याद हो हमने डी ग्लूटिशन करनी स्वॉलिंग करनी है तो जो मिक्सिंग ऑफ स्लाइवा है विद द फूड टू मॉइसनिंग लुब्लिकेशन एंड पार्शल डाइजेशन ऑफ फूड दिस फेसिलिटेट द एक्ट ऑफ स्वॉलिंग इन एडिशन सिलाज मैनी एंटी बैक्टीरियल डाइजेस्टिव एंड एवेपोरेटिव कूलिंग फंक्शंस जिनको हम आगे स्पीशीज़ वाइज डिस्कस करते हैं uh, so, uh, ये सोलोबलाइज भी कर रहा है फूड को और डोमेस्टिकेशन के अंदर भी इसका इम्पोर्टेंट रोल है चूहंग के अंदर फ़ूड सोलबलाइज होता जाएगा इट ऑल्सो कोट्स दी ओरल कैविटी एंड ईसोफेगस सो दैट फूड बेसिकली नेवर टचिज़ दी एपीथीलियल सेल्स ऑफ दिज टिश्यूज़ तो हमारी जितनी भी ओरल कैविटी है उसके अंदर जो एपीथीलियल सेल्स मौजूद हैं सलाइवा उनको कोट करता है ताकि फूड जो है बिल्कुल उसको टच ना कर सके दिस सलाइवा इज़ अ प्रोटेक्टिव कोटिंग एंड दिस आल्सो प्रिवेंट्स मिकोजा फ्रॉम डैमेज बिकॉज फूड के अंदर अभी आपको अफूड लेसरेट कर सकता है उसको अगर आपकी इन्वायरमेंट जो है सलाइवा ने लुब्रिकेट नहीं की इंटरनल ओरल कैविटी की uh, एक टेंटेटिव और ये एक अच्छा असमेंट क्वेश्चन भी हो सकता है कि एक क्वांटिटी क्या है स्क्रीटेड सलाइवा की और अगर हम रूमिनट्स को लें तो कितने स्लाइवा उनके अंदर ट्वेंटी फोर आवर्स के अंदर प्रोड्यूस हो सकता है तो अगर आप देखोगे तो अबाउट हंड्रेड टू टू हंड्रेड लीटर्स ऑफ सिलाइवा पर डे कैन बी स्क्रीटेड इन काउस और फिफ्टी एम एल पर मिनट इन वन फिफ्टी के जी हॉर्स जिसको आप पोनी कहते हैं इट कैन बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेस्टिकेशन तो जब पोनी फूड को मेस्टिकेट कर रहा है तो अबाउट फिफ्टी एम ऑफ सिला इज प्रोड्यूस्ड पर मिनट इन ए वन फिफ्टी के जी हॉर्स अब ये सिर्फ आपका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए है कि अगर सलाइवा की प्रोडक्शन गलत हो जाए या सलाइवा जो है वो इफेक्टिवली माउथ के अंदर पहुंच नहीं सक रहा तो अगर अब आप ये देखो तो हमारे पास ये एक इमेज है जो कि अमेरिकन कॉलेज ऑफ बैटरी सर्जनस की वेबसाइट से मैंने उठाया ये देखो एक बॉक्सर है जिसके अंदर ये मैसिव स्वेलिंग है बिलो दी नेक इट इज़ सेकेंडरी टू ए वेरी लार्ज स्लाइवरी म्यूकोसील और इससे हुआ यह कि जितना भी सिला है वो औरल कैविटी के अंदर नहीं आ सक रहा बट इट इज़ ब्लॉक्ड उसकी जो डक्ट है वो ब्लॉक्ड है जिसकी वजह से वो स्वेल करता जा रहा है और अब आप ये देखो कितनी मैसेफ नेक के अंदर स्वेल एक लार्ज एक्सट्रीमली लार्ज एक स्वेलिंग सी आपको फील हो रही है और ये इत, ए, ए, इसका हाल यही होता है कि अब आप स्लाइवरी ग्रैंड रिमूव करो लेकिन इस स्टेज के ऊपर तो ये भी बड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा स्लाइवरी ग्लैंड है जिसकी डक्ट ब्लॉक हुई है सिमिलरली uh, अगर आप देखोगे तो ये एक और इमेज है जिसके अंदर हमारे पास ये एक बॉस्टन टेरियर है जिसकी अंदर एक सब लिंग म्यूकोसील आप ये देखो ये मौजूद है इसको रेनोला भी कहते हैं और ये सिर्फ मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो अगर आप देखो ये मैंडिबुलर और सब लिंगल गलैंड जो हैं इसको रिमूव करना पड़ेगा ताकि ये म्यूकोसील ख़त्म हो सके और ये भी इस वजह से यह है कि जो स्लाइवा है वो ड्रेन नहीं हो सक रहा ओरल कैविटी के अंदर बिकॉज जो इस जो स्ल ग्लैंड की जो डक्ट है वो ब्लॉक हो गई है किसी वजह से और इस ब्लॉकेज को हम रेनोला भी कहते हैं Uh, साथ ही साथ अगर आप देखो एक और इमेज है ये अगर ये देखो आपको तो ये एक रेडियोग्राफ है जिसके अंदर ये एक फ्रेंजियल म्यूकोसील है और ये एक पूडल के अंदर है और ये इतनी मैसिव हो चुकी है कि ये ट्रेकिया जा रहा है इसने इसको ब्लॉक कर दिया हुआ है एंड दिस फ्रेंजियल म्यूकोसील हैज़ कॉल्ड कॉज्ड नियरली ए कम्प्लीट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन तो इस ट्रैकिया को बिल्कुल इस फ्रेंजियल मिकोसील ने ब्लॉक कर दिया तो ये कुछ इम्प्लीकेशंस हैं अगर स्लाइवा जो है जो स्लाइवरी ग्लैंड बना रहे हैं वो ओरल कैविटी के अंदर आ ना सके और इसकी ज़्यादातर वजूहत यही होती हैं कि कोई ब्लॉकेज होती है जो कि स्लाइवरी ग्लैंड से स्क्रीशन सलाइवरी स्क्रीशन माउथ के अंदर नहीं ले कर आ सक रही जिसकी वजह से वो सलाइवरी ग्लैंड आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करता जाता है अब और अगर हम सलाइवा के फंक्शंस देखें तो हमारे पास इसका एक एंटी बैक्टीरियल फंक्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ अगर आप देखो तो ओरल कैविटी के अंदर एक लार्ज बैक्टीरियल पॉपुलेशन है जो कि कॉन्टीसली वहाँ पे ग्रो कर रही है थ्राइव कर रही है तो इस पॉपुलेशन को इन चेक रखने के लिए हमें सलाइवा के अंदर कुछ एंटी बैक्टीरियल चीज़ें चाहिए जिसके अंदर हमारे पास थोसाइनेट आयंस है देयर आर सेवरल एंटीबॉडीज दैट आर टू दिलाईवा और ये लाइसोजाइन जो हैं ये एंटी माइक्रोबियल हैं जो कि इसके अंदर स्क्रीट होते हैं अगर आप देखो इनिशियली, तो आपको लगेगा जैसे एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज ऑफ सलाइवा जो हैं वो बड़ी इनएफिशिएंट हैं एज फार एज माउथ इज कंसर्न या एज फार एज ओरल एंटी माइक्रोबियल पॉपुलेशन इज कंसर्न लेकिन स्लाइवा जो है इट हेल्प्स टू कीप दिस पापुलेशन इन चेक एंड एनिमल्स विद इम्पेयर्ड स्लैवी फंक्शन आर प्रोन टू इन्फेक्शियस डिजीज़ ऑफ द औरल कैविटी देयर डेंटल हाइजीन इज कॉम्प्रोमाइज साथ ही साथ हमारे पास इसके अंदर थायोसाइनेट आइंस भी हैं जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं सो दीज ऑल दीज स्ट्रक्चर्स जो हैं दे मेक दे keep a check on the microbial populations of the oral cavity and impaired salivary function can uh, prone the oral cavity to several infectious diseases. अब इसके अलावा productive functions के अलावा स्लाइवा के अंदर कुछ स्पीशीज के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट इन्जाइम्स भी आपको मिलेंगे जिस तरह के फॉर एग्जांपल ऑमनिवॉरस एनिमल्स हैं जिस तरह के रैड्स एंड पिग्स हैं उनके अंदर सलाइवा जो है इट हैज़ स्टार्च डिंग एंजाइम विच इज़ कॉल्ड एस एम आई लेस ये एंजाइम जो है ये कार्निवोरस एनिमल्स सच कैट्स के अंदर ये एबसेंट होता है uh, तो इसके अलावा हमारे पास लिंगुअल लाइपेज एक इम्पोर्टेंट एंजाइम है जो कि छोटे बच्चों के अंदर जिसना फॉर एग्जांपल काव्स के अंदर जो कैटल के छोटे बच्चे हैं जिनको बछड़ा भी कहते हैं उनके अंदर जब आपने काव्स के अंदर जो मिल्क अगर आप उनको दे रहे हैं तो मिल्क की फ़ैट को डाइजेस्ट करने के लिए लिंगुअल लाइपेज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है और जैसे जैसे कैट्स काव्स uh, जो हैं कैटल के जो छोटे बच्चे हैं वो मेच्योर होते हैं तो ये एंजाइम जो है वो डिसअपयर करता है तो ये दो इंपॉर्टेंट डिजाइम्स हैं स्लाइवरी एम एल एज़ और लाइपेज लेकिन आपने स्पीशीज़ के डिफ्रेंशियशन को ज़रूर जहन के अंदर रखना है फॉर एग्ज़ाम्पल एम एल एज इज़ यूजली एबसेंट इन सलाइव ऑफ कैटल्स हॉर्स शीप्स एंड कॉर्नीवर्स एनिमल्स लाइक डॉग्स एंड कैट्स और लिंग लाइपेज जो है वो हमारे पास फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है वो यंग एनिमल्स न्यूबॉर्न काव्स के अंदर होता है जहाँ पे वो अगर मिल्क डाइट के अंदर हो तो वो मिल्क फैट को प्रॉपरली डाइजेस्ट कर सकते हैं अब यहाँ पे सिला जो है वो एक एक वेपोरेटिव फंक्शन भी परफॉर्म करता है और अगर आप देखो तो एक लीटर वाटर को ऑब्जॉर्ब करवाने के लिए 580 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है तो अगर यही वाटर आपने बॉडी के अंदर से वेपोरेट करें आप और साथ में ये हीट भी जाए तो बॉडी कूल डाउन होगी तो डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं वो सिलाईवा के वेपोरेटिव फंक्शन को यूटिलाइज करते हैं और अगर ये हीट बॉडी प्रोवाइड करे तो वेपोरेशन कैन बी अ मेजर फॉर्म ऑफ हीट लॉस तो अगर एनिमल पेंट पेंटिंग करता है और पेंटिंग क्या है इट इज़ ब्रीदिंग विद शॉर्ट क्विक ब्रेथ और उसके साथ साथ आपके पास वेस्कुलर एनगोर्जमेंट हो रेस्पिरेटरी एंड ओरल मिकोजा की सेकेंडली सेलिवेशन इंक्रीज कर जाए तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये कपल करके एक हमें एक इवेपोरेटिव कूलिंग का इफेक्ट देती हैं जिसमें हमारे पास वेसल्स जो हैं वो ब्लड लेके आती हैं जिसके अंदर ये हीट एनर्जी होगी साथ ही साथ के अंदर ज़्यादा वाटर हो जैसे जैसे हीट और वाटर आपस में मर्ज होंगी और वाटर लॉस होगा बाय प्रोविजन ऑफ हीट दैट वॉज प्रेजेंट इन दी वेसल्स तो वो सिला एवेपोरेट होगा और आहिस्ता आहिस्ता बॉडी को एक कूलिंग इफेक्ट मिलेगा बिकॉज अल्टीमेटली हीट लॉस हो रही है बॉडी में से यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपने रिमेम्बर करने हैं जो कि जो कि स्पीशीज के हवाले से इम्पॉर्टेंट हैं और यह आपको डिफरेंट डोमेस्टिक स्पीशीज में क्लिनिकली आइडिया देंगे कि बॉडी के अंदर टेम्परेचर uh, ज़्यादा है या कम है और एनिमल किस तरीके से ए, आपको क्लिनिकल साइंस शो कर रहा है तो ये मोस्टली ऑब्जर्वेशनल फाइंडिंग्स हैं इसके अंदर अगर आप देखो तो सारे के सारे प्लेसेंटल प्रेसे, मेम्बर्स जो हैं उनके अंदर स्वेट ग्लैंड होते हैं सिर्फ रोडेंट्स के अंदर जिसमें रैट्स स्क्िरल्स डॉग्स जो है ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर एक बहुत कॉमन पेट है पार्किपाइन हैं बीवर्स हैं ये भी नॉर्थ अमेरिका में बहुत इंपॉर्टेंट पैट है गिनी पिग्स भी वहाँ एक्सटेंसिवली लोग रखते है। इसके लेगो हैं इसके अलावा लैगोमॉप हैं पाइका हेयर रैबिट्स हैं इनके अंदर आपको स्वेट ग्लैंड नहीं मिलेंगे तो रोडेंट जो है वो सिला को अपने फर के ऊपर लगाते हैं ताकि वो हीट लॉस को इनक्रीज कर सके और ये जब आप रैट के अगर आप रिसर्च के अंदर हो रैट के ट्रायल्स लगाते हो तो ये जेन के अंदर रखना के रैट के अंदर स्वेट ग्लैंड नहीं होते तो अगर आपने उनको 22, 23 डिग्री सेंटीग्रेड की इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं की तो वो हीट स्ट्रेस के अंदर ज्यादा तेजी से चले जाते हैं इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ज्यादातर केनाइन प्रैक्टिस है डॉग्स जो हैं उनके अंदर पुअर् डिवेलप्ड स्वेट गैंड होते हैं तो डॉग जो है इसीलिए अगर आप देखो मुंह खोल के उनके स्लाइवा जो है वो ड्रूल कर रहा होता है उनके माउथ के अंदर से देर फॉर देर टोटली रिलाई ऑन पेंटिंग उनका पेरोटेड ग्लैंड जो है वो इंटेंस पैरासिमथेटिक स्टिमुलेशन के अंडर तकरीबन दस गुना ज़्यादा बनाने की सलाइयत रखता है कंपेयर टू परोटेड ग्लैंड ऑफ ह्यूमंस और इसका एडवांटेज उनके पास ये है कि वो ज़्यादा सलाइवा प्रोड्यूस करता है और उस सलाइवा के जरिए वो तेज़ी के साथ हीट लूज़ करते हैं सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर डॉग्स के अंदर पोअरली डेवलप्ड स्वेट ग्लैंड होते हैं इसलिए वो ज़्यादातर पेंटिंग के ऊपर रिलाई करते हैं और पेंटिंग के थ्रू ही वो अपनी बॉडी की हीट लूज करते हैं तो दिस सर्ज इम्पॉर्टेंट थर्मोरेगुलेटरी फंक्शन इन डॉग्स अदर स्पीशीज़ का मैंने आपको रोडेंट्स का मिसाल दी है डॉग्स के अंदर पैरासिमथेटिक स्टिमुलेशन के नतीजे में वो दस गुना ज़्यादा तेजी के साथ सलाइवा प्रोड्यूस कर सकते हैं पर ग्राम ऑफ ग्लैंड एज कंपेयर टू ह्यूमंस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हॉर्सेस के अंदर ये याद रखना कि पेंटिंग नहीं होती सो so, अगर आप कोशिश करो कि हॉर्स की थर्मो रेगुलेटरी एक्टिविटी को आप ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हो कि थर्मो रेगुलेशन कितनी इफेक्टिव है कि नहीं तो हॉर्सेस जो हैं वो पेंटिंग नहीं करते अब अगर मैं रोमिनट्स के अंदर देखूं, तो इट इज इम्पेरेटिव दैट्रीशन इज देअर बिकॉज रोमिनन्ट्स जो हैं उनकी माइक्रोबियल डाइजेशन जो कि रूमन के अंदर होनी है वो डिपेंड ही स्लाइव डिस्क्रीशन के ऊपर करती है और ये शायद मैंने आपको पहले भी हिंट दिया था अगर आप देखो और इसीलिए रोमिनट्स सौ से 200 लीटर के करीब सिलाइवा आप चौबीस घंटों के अंदर प्रोड्यूस करते हैं माइंड यू 100 से 200 लीटर अगर 400 सौ के जी का एक रोमिनंट है तो वो 100 से 200 हंड्रेड लीटर्स ऑफ स्लाइवा ही सिर्फ प्रोड्यूस कर रहा है 24 घंटे में तो फ़ायदा क्या है इसका इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है अगर आप देखो तो माइक्रोबियल डाइजेशन इन र्यूमन रिक्वायर्स अ फ्लोइड एनवायरनमेंट पहली चीज दूसरी फोर स्टमिक हैज़ नो स्क्रीटरी ग्लैंड्स यानी ह्यूमिन के अंदर कोई एज सच स्क्रीटरी ग्लैंड आपको नहीं मिलेगा देयर फोर इट रिलाइज ऑन स्लाइवरी फ्लो तो एक तो एक्वस एनवायरमेंट इसने प्रोवाइड की सेकेंड जितनी भी फोर स्टमक के अंदर एक्टिविटी है वो माइक्रोबियल फर्मेंटेशन हो रही है और उस माइक्रोबियल फर्मेंटेशन के नतीजे में हमारे पास शॉर्ट चैन फैटी एसिड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं अब ये लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ एसिड है इनको न्यूट्रलाइज़ भी तो करना है अदरवाइज रोमिनल पी जो है वो कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज होती जाएगी और अगर वो एक क्रिटिकल वैल्यू जो कि तकरीबन फाइव पॉइंट है 6 पीएच अगर आप रखें रूमिन की उससे अगर नीचे आ रही है तो वो रूमिनल एसिडोसिस के अंदर चला जाएगा इसलिए हमारे पास जो सलाइवा के अंदर मौजूद बायो कार्बोनेट हैं और फॉस्फेट बफर्स हैं वो इस एसिड प्रोडक्शन को न्यूट्रलाइज़ करने का काम करते हैं और फिर इसके नतीजे में रूमन की पीएच को इफेक्टिवली रेगुलेट करते हैं उसको सिक्स से ऊपर एक 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 रेगुलेटेड तरीके से एक नॉर्मल पीएच रेंज के अंदर रखते हैं जो कि दैट शुड बी अबव सिक्स इट शुड नॉट गो बिलो सिक्स तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि रोमिनल्स के अंदर स्लाइविस्क्रिप्शन सर्व करती है एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट अगर ये ना हो किसी भी रीज़न की वजह से तो ये प्रोसेस हैम्पर होता है और जानवर जो है वो रोमिनल एसिडोसिस के अंदर चला जाता है अब अगर आप देखो तो कौन से स्लाइवरी ग्लैंड हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर प्रोडक्शन ऑफ वेरियस स्लाइवरी स्क्रीशंस सो स्लाइवा इज असेंशली प्रोड्यूस्ड बाई पेरोटेड थ्री पेयर ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड जिसके अंदर हमारे पास पहला है पेरोटेड ग्लैंड दीज ग्लैंड लाए अंडर ईयर बिहाइंड द वर्टिकल रैमस ऑफ द मैंडिबल एनेटमिकल लोकेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आपको आइडिया होगा आप पेलपेट कर सकते हो उस पर्टिकुलर ग्लैंड को अनेटमिकली तो ये प्रोटेक्ट जो है इट लाइज अंडर द ईयर बिहाइंड द वर्टिकल रेमस ऑफ द मैंडिबल सेकंड हमारे पास है मैंडिबुलर जिसको हम सब मैगजिलरी ग्लैंड भी कहते हैं विच आर इन द इंट्रा मैंडिबुलर स्पेस ये जो दो जॉस के दरमियान में इंट्रा मैंडिबुलर स्पेस है ये वहाँ पे मौजूद होते हैं फिर हमारे पास सब लिंग ग्लैंड हैं ये वो ग्लैंड हैं विच लाई एट द बेस ऑफ द टंग इन साइड दी ओरल कैविटी तो दिज ग्लैंड ड्रेन इन टू ए मेन डक्ट दैट हैज सिंगल ओपनिंग इन टू द माउथ और एनेटमी एनेटमी के लिए आपने स्पीशीज डिफरेंस जरूर कंसिडर करना है अगर कोई एग्जिस्ट करता है स्मॉल ग्लैंड जो हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं थ्रू आउट दी बकल मिकोजा एंड दी सब मिकोजा एंड दे हैव न्यूमरस स्क्रीटरी डकट्स औरल कैटी Importantly, आपने डिफरेंसेस इन डिफरेंट डोम डिपार्टमेंट से जरूर कंसल्ट करें वो देखें कि एनेटिकल डिफरेंसेस क्या एग्जिस्ट करते हैं इनके अंदर तो ये जितने भी ग्लैंडस हैं ये स्लाइबरीशंस बनाने का काम करते हैं अब अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो parotid gland है और सीरस क्रीशन फॉर दी सिलाईवा तो ये वाटर कॉन्टेंट सिलाईवा के अंदर ऐड करने का काम करता है मैंडिबुलर सब मैगजलरी ग्लैंड जो है वो एक मिक्स क्रीशन देता है जिसमें सीरस क्रीशन भी है और उसमें म्यूकस क्रीशन भी है तो बोथ क्रीशन सीरस एंड म्यूकस क्रीशन आर प्रोड्यूस्ड बाय दी मैंडिबुलर और सब मैगजरी ग्लैंड और थर्ड हमारे पास जो सब लिंगल ग्लैंड हैं जो कि बेस ऑफ दी टंग के ऊपर हैं दे स्क्रीट असलाइवा दाइट इस प्री डोमिनेटली म्यूकस इन नेचर तो ये तीनों जो हैं स्लाइवी ग्लैंड सीरस क्रीशंस और म्यूकस क्रीशन ये दो तरह के स्क्रीशन हैं प्रोटेड मोस्टली सीरस सीरसक्रीशन देता है मैंडीवलर सब मैगजरी सीरस और म्यूकस दोनों तरह के स्क्रीशन देते हैं और सब लिंगल ग्लैंड जो हैं दे स्क्रीट इसलाइवा दैट स्प्री डोमिनेटली म्यूकस इन करेक्टर तो अब जब हमारे पास सिलाईवा एज वन एंटिटी आएगा तो उसके अंदर वाटर कंटेंट भी होगा उसके अंदर म्यूकस म्यूसिन कंटेंट भी होगा और साथ साथ जो भी एंजाइम्स और इलेक्ट्रोलाइट्स होंगी अभी हम इलेक्ट्रोलाइट्स के डिफरेंट पाथवेज आगे डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं अब हमारे पास जो प्राइमरी स्लाइविस्क्रीशन है दे ओरिजिनेट इन ग्लैंडुलर सेल्स विच आर कॉल्ड एज ए ये एस एन आई जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं प्राइमरी स्लाइव रिस्क्रीशंस के लिए और यहाँ पे जब एस एन आई स्क्रीट करते हैं तो इनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर्स भी होंगे और ऑबियसली ये इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर आ कहाँ से रहे हैं यहाँ पे कोई ब्लड इनको सप्लाई दे रहा होगा तभी वो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स एक्सट्रैक्ट करेंगे ब्लड में से और वो इस ल्यूमन के अंदर स्क्रीट कर देंगे तो एंजाइम्स और म्यूकस जो हैं वो भी यहाँ पे सिंथेसाइज होंगे साथ साथ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स वो इस लाइवरी स्क्रीशन के अंदर आ, स्क्रीट आउट होंगे और वो इस ल्यूमन के अंदर से होते हुए यहाँ पे आके इंटरकलेटेड डक्ट्स के, के जरिए आ जाएगा हमारे पास डक्ट एपिथीलियम जो है ये जितनी भी डक्ट्स हैं जिस तरह ये इंटरकलेटेड डक्ट एक शो की हुई है या जो एक्सक्रीटरी डक्ट्स हैं या ये जो स्ट्राइट डक्ट्स हैं इनके अंदर कुछ चैनल्स मौजूद होंगे जो कि आगे चल के आ, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स जिस तरह के सोडियम और क्लोराइड जो है उसको आगे आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब करते जाएंगे तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट सलाइवा के अंदर होगी जो कि एक्सक्रीट होनी है इन टू दी ओरल कैविटी उसके अंदर सोडियम की जो कंसनट्रेशन है वो निस्पतन कम होगी कंपेयर टू दी कंसनट्रेशन दैट वॉज प्रेजेंट इन दी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड और दैट वॉज्रीटेड इन टू द्लैंड ऑफ द एसनाई जैसे जैसे वो आगे जाएगा सोडियम और क्लोराइड एब्जॉर्ब होते जाएंगे और फाइनल जो एक्सक्रीशन है स्लाइवा की वो निष्पतन कम होगी एज फार एज सोडियम एंड क्लोराइड इज कंसर्न बिकॉज मेजर सोडियम एंड क्लोराइड इज री एब्जॉर्ब ड्यूरिंग दी प्रोसेस और यह किस तरीके से होगा इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे अब अगर आप देखोगे तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिलाइवा uh, जो है इट इज़ हाइपोटोनिक एज कंपेयर्ड टू दी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड यानी इसके अंदर सोडियम और क्लोराइड की कंसनट्रेशन कम होती जा रही है कंपेयर्ड टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड या ब्लड uh, सिर्फ और सिर्फ रोमिनट्स के अंदर आपको सलाइवा मिलेगा यानी उसके अंदर हाई कंसनट्रेशन ऑफ बायो फॉस्फेट मिलेगी आपको और इट इज आइसोटोनिक एज कंपेयर टू ब्लड या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड अदरवाइज बाकी स्पीशीज के अंदर सलाइवा जो है वो हाइपोटोनिक होता जाएगा बिकॉज मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब होती जाएंगी तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है आ, रोमिनट्स के अंदर हमारे पास एक सलाइवा होता है बाकी स्पीशीज के अंदर हमारे पास हाइपोटोनिक सलाइवा होता है कंपेयर टू एक्स्ट्रा सेलोलर फ्लोर और ये होता इस वजह से है बिकॉज देर इज मॉडिफिकेशन ऑफ एस एन आर सिक्रीशंस बाई दी डक्ट एपीथीलिया एंड इट इज अ फिजियोलॉजिकल फिनोमिना इट इज़ कॉमन अमंग सेवरल टाइप्स ऑफ ग्लैंड इट इज ऑल्सो सेम दिस द प्रोसेस इज सेम इन पेंक्रियाज जो जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे बिकॉज दैट इज ऑल्सो सर्विंग एन एज एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड इसको आपने हिस्टोलॉजी के साथ भी रिलेट करने की कोशिश करनी है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो हैं उनके अंदर किस किस किस्म के ग्लैंड एग्जिस्ट करते हैं टिब्यूलो एल्वी ओलर एल्वी ओलर तो ये हिस्टोलॉजी वाले आपको ज़्यादा बेहतर तौर पे गाइड कर सकेंगे कि ये ग्लैंड की स्ट्रक्चर और साख्त अक्रॉस डोमेस्टिक स्पीशीज कैसी होती है यहाँ पे मैं लेक्चर नंबर ट्वेल्व को स्लाइवरी स्कूशन को कंक्लूड करता हूँ जो स्लाइवा के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस हैं स्क्रेशन के उनको हम कल डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे डिफरेंट एनीमेशन के साथ और उसमें मैं डिफरेंट ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को डिस्कस करूँगा अगर आपका पास कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे लिख सकते हो स्लाइबा के हवाले से आ, इसको हमने एनाटमी और हिस्टोलॉजी के साथ जरूर को रिलेट करने की कोशिश करनी है बिकॉज जितने भी स्लाइवरीग लैंड हैं उनकी हिस्टोलॉजिकली क्या है और उनकी अनैटमिकल लोकेशन क्या है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग अक्रॉस डिफरेंट डोमेस्टिक स्पीशीज़ और जब आप करो तो उसको टारगेट करो एज रोमिनट्स कैनाइंस जिसमें डॉग कैट है और हॉर्सेस और रोमिनट्स के अंदर शीप गोट और कैटल ठीक है तो कोई अगर आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे लिख सकते हो व्हाट्सएप uh, कर सकते हो सेफ और स्टे ब्लेस्ड थैंक यू